नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं जगविंदर पटियाल। बड़ी और छोटी आवाजों को हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट का मंच मिलता है और यहां उन्हीं खबरों को जगह दी जाती है जिनका आपकी जिंदगी पर सीधा असर होता है। हिंदी न्यूज में पटियाल परीक्षण करने वाला सबसे अलग पत्रकार है। आज मैं आपके लिए जो खास खबरें लेकर आया हूं, पहले वो शेयर करूंगा, उसके बाद एक एक करके विस्तार से उनका मतलब समझाऊंगा। चुनाव में चंदे का बॉन्ड आज फिर सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़ा हो गया। फिक्की और एसोचैम, इन दोनों कारोबारी संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट जाकर दस्तक दी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वकील वहां मौजूद थे। जय साहब का लहजा तल्ख था, कई सवाल जवाब हुए, फिर जय साहब ने कहा कि वो कोर्ट बताओ जिससे डोनर और रिसीवर का रिश्ता जग जाहिर हो जाए। एसबीआई के वकील ने कहा, मिलॉट ये जिम्मेदारी तो राजनीतिक दलों की है कि जिससे चंदा लिया उसका नाम चुनाव आयोग को बता दे। कुछ एक ने बता भी दिया है लेकिन उनका हिस्सा केवल 5% है। अब सवाल यह है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज को अपने दानी सज्जनों का नाम बताना है तो फिर अब तक बताया क्यों नहीं? चंदे पर कई अहम सवाल हैं, उनके जवाब हैं। मेरे साथ आप ये देखेंगे क्योंकि चुनाव सिर पर है। आपका प्रत्याशी किसके चंदे से चुनाव लड़ने आया है ये जानना जरूरी है। दूसरा परीक्षण दक्षिण भारत की राजनीतिक दमखम का होगा। कांग्रेस पार्टी ने सारी ताकत दक्षिण में झोंक दी है, उसे उम्मीद भी बहुत है। वहीं एनडीए की ओर से नरेंद्र मोदी की पूरी ताकत साउथ पर लगी हुई है। राम मंदिर में स्थापित मूर्ति हो, केदारनाथ मंदिर में स्थापित शंकराचार्य की मूर्ति हो या फिर काशी में तमिल संगम का आयोजन, हर जगह दक्षिण को महत्व दिया जा रहा है। यहां आपको बता दें कि जिस दल को 400+ चाहिए उसे दक्षिण में भव्य प्रदर्शन करना होगा, जैसा कि राजीव गांधी ने किया था। दक्षिण की बिसात पर 2024 का परीक्षण करूंगा। राहुल गांधी और मोदी के बीच आर पार की शक्ति पर धुआंधार जंग चल रही है, इस शक्ति को भी टेस्ट की परखनली पर उतार कर देखूंगा। लोकसभा चुनाव के इस समीकरण को आपको जरूर समझना चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसे एग्जाम में नकल की तस्वीर दिखाऊंगा जिसे पास करने वाला एसडीए, डेप्यूटी एसपी, ट्रेजरी अफसर आदि पदों की शोभा बढ़ाता है और सीनियर होकर आईएएस आईपीएस भी बन जाते हैं। डिजिटल फ्रॉड वाले जामताड़ा की कहानी है ये। इसके अलावा आपको अलर्ट भी करूंगा, अगर आपके बच्चे देर रात पार्टियों में जाते हैं, मित्रों के साथ घूमते फिरते रहते हैं तो उनसे आपको क्या पूछना चाहिए ये भी बताऊंगा। आज पटियाल आपको ये भी बताएगा कि आपने किसी धर्म संकट का समाधान कैसे करना है। आज मैं शहद की शुद्धता का परीक्षण करूंगा, आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर में रखा शहद जम जाता है तो वो असली है या नकली। आज मैं चुनावी चंदे के बवाली बॉन्ड का परीक्षण करने वाला हूं क्योंकि ईमानदार चुनावी चंदे का बॉन्ड फिर संदेह के घेरे में आ गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्ड के होलसेल डीलर यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फिर पेशी हुई और हुआ क्या, इसमें चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बुरी तरह फटकार लगाई और पूछा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी क्यों साझा नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को तल्ख लहजे में डेडलाइन देते हुए ऑर्डर दिया है कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक पूरी जानकारी दे दी जाए। किसे? चुनाव आयोग। कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा को 21 मार्च तक हलफनामा दाखिल करने का ऑर्डर दिया है। इस हलफनामे में चुनावी बॉन्ड की हर जानकारी का खुलासा करने को भी कहा गया है। साथ ही एसबीआई के एफिडेविट में यह भी लिखा हो कि अब कुछ भी छिपाया नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया है कि चुनाव आयोग को एसबीआई से जानकारी हासिल करने के बाद इसे तुरंत अपने वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। उद्योगपतियों की संस्था फिक्की और एसएचओएल चुनावी बॉन्ड से परेशान है। क्यों परेशान है यह भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में कौन किसकी तरफ से दलील रखने के लिए आया था। एसबीआई की तरफ से हरीश सालवे दलील रखने के लिए आए थे, फिक्की एसएचओएम का पक्ष सुन रखने के लिए मुकुल रोहतगी पहुंचे थे, एससीबीए के अदिशा अग्रवाल ने भी रिव्यू पिटीशन डाली थी। व्यापारियों और एससीबीए को तो कोर्ट ने सुना ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी एसबीआई चुनावी चंदे की डिटेल्स बार बार क्यों छुपा रहा है? क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी को बचा रहा है या फिर सच सामने लाने से कतरा रहा है?
एसबीआई के डबल स्टैंडर्ड्स पर सियासत के तेवर सुर्ख हैं। चुनावी चंदे पर सियासी चूल्हा कितनी तपिश मार रहा है, इसके लिए मैंने छोटा सा वीडियो क्लिप तैयार करवाया है, आपको ये जरूर देखना चाहिए। हफ्ता वसूली चल रही है, छापा वसूली चल रही है और असलियत यह है कि कट ले लेकर कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। पूरे देश के सामने केंद्र एक्सपोज हो रहा है, किस तरीके से रोज रोज इंफॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन कर रहा है। भाई अगर आपके मन में कोई चोरी नहीं है तो आप डालिए अपनी वेबसाइट पे। ईडी इनकी है, सीबीआई इनकी है, तो आंकड़े इनसे पूछो ना, जो दबाव डाल के पैसा वसूलते हैं, हफ्ता वसूलते हैं, उनसे पूछिए। हमारे पास कोई ईडी सीबीआई थोड़ी कि डरा सकेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके सच्चाई सामने आनी चाहिए कि जो भाजपा सरकार है, जो भी पार्टी से जिन्होंने चंदा लिया है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का सिस्टम लेके कौन आया था, सबसे पहले सवाल तो इस बात का उठता है। तीन साल में एक पार्टी को 6,000 करोड़ रुपए मिल गए, ये कहां से हुए, किस लिए हुए, और आप ही ने अमेंडमेंट किया था कि किसने बॉन्ड दिया और कहां जाएगा मालूम नहीं चलेगा, तो कहीं ना कहीं दाग में काला नहीं था, पूरी दाल ही काली थी। कैसे एजेंसियों का दुरुपयोग करके छापे मार करके चंदा इकट्ठा किया इन्होंने, इस तरह की तो वसूली देश में जो गुंडे हैं वो भी नहीं करते हैं। और काला चिट्ठा सामने आ रहा है, वो तो बहुत बड़ा घोटाला है, सबको मालूम है, पूरा देश हिल गया है उन घोटाले से। चुनावी बॉन्ड की डिटेल्स अगर एसबीआई ईमानदारी से पेश करता तो इसमें बखेड़ा खड़ा नहीं होता, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। अब मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कितनी तगड़ी झाड़ लगाई, उसकी क्लास ली। अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से खड़े सीनियर एडवोकेट हरीश सालवे के साथ जो बातचीत की, उसकी कुछ बड़ी बातें खुलकर सामने आ गई। पहले बॉन्ड को लेकर एसबीआई के पक्ष और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बीच जो बातचीत हुई वो बताते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हरीश सालवे पेश हुए थे। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड ने सालवे से पहला सवाल पूछा कि हमने चुनावी बॉन्ड का पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा था, इसमें बॉन्ड नंबर भी शामिल था, एसबीआई आदेश के बावजूद इस तरह चुनिंदा जानकारी कैसे दे सकता है। एसबीआई के वकील हरीश सालवे ने कहा, हम हर जानकारी देने के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, आप हर बात के लिए हमारे आदेश का इंतजार नहीं कर सकते कि कोर्ट क्या कहेगा, वही कहेगा जो हम करेंगे, आपको आदेश समझना चाहिए कि वास्तव में हमने कहा क्या है। सालवे साहब ने कहा, एसबीआई की तरफ से हमारे बारे में गलत छवि बनाए जाने का यह आरोप लगाया कि हमारी इमेज खराब की जा रही है, हम साफ कर देना चाहते हैं कि आदेश में क्या लिखा था। हमने समझा कि बॉन्ड की तारीख, बॉन्ड खरीदने वाले का नाम, राशि और कैश कराने वाले का ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। सालवे ने कहा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग को बताना था कि उन्हें किसने कितना चंदा दिया और ये जानकारी सील लिफाफे में, यानी सील बंद जो होता है लिफाफा, उसमें कोर्ट को दे भी दी गई थी, लिहाजा ये जानकारी अपने आप बाहर आ जानी थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा, हमें बताइए कि आंकड़े आपके पास किस रूप में है। सालवे ने कहा, पहले गोपनीयता की शर्त थी, इसीलिए अलग अलग रखा गया था उनको। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, पहले आपने दो अलग अलग आंकड़े बताए, अब ऐसा लग रहा है कि ये तीन जगह पर थे आंकड़े, बॉन्ड नंबर अलग जगह पर रखा गया था। सालवे ने कहा, नहीं, दो ही जगह था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा, तो फिर अल्फा न्यूमेरिक जो यूनिक नंबर होता है उसका इस्तेमाल क्या था, क्या कैश करने वाला ब्रांच नंबर मिलाकर भुगतान नहीं करता था कि उसका किस ब्रांच में है और यूनिक कोड किसका है। सालवे साहब ने कहा, नहीं, ये केवाईसी पर आधारित था और उसी लिहाज से कैश हो जाता था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, ठीक है,
अब हम ऑर्डर देते हैं कि SBI बॉन्ड नंबर भी बताए और अपने पास कि किस तरह की जानकारी जो है वो नहीं रखनी, हर जानकारी आपने बतानी है, कोर्ट को सब कुछ बताया जाए। सालवे ने कहा बिल्कुल, लेकिन मीडिया में और दूसरी जगहों पर हमें बदनाम किया जा रहा है, हमें कोई जानकारी छुपाने में दिलचस्पी नहीं है, हम सब उपलब्ध करवा देंगे, ये सालवे साहब ने कहा। कोर्ट ने बोला कि नहीं, सारे ही डिटेल्स जो भी उनके पास बॉन्ड के बारे में हो वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें। और स्टेट बैंक के चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज कर दिया है, और इलेक्शन कमीशन इस सारे बॉन्ड नंबर्स के साथ सारे बॉन्ड्स के डिटेल्स तुरंत पब्लिकली डिस्क्लोज कर दें। पिछले हफ्ते की बात है, तब भी कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद SBI ने सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड की पूरी डिटेल्स देने से आनाकानी की थी। तब अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अब मेरा सवाल यह है कि SBI के पास जब हर चुनावी बॉन्ड की डिटेल्स हैं तो वो छुपा क्यों रहा है? यहां पटियाल के कुछ और भी सवाल हैं। चंदा किसने दिया ये बताने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों पर थी, तो फिर 96% चंदे पर राजनीतिक दल आखिर चुप क्यों है? व्यापारियों के संगठन SOCHM और फिक्की अदालत पहुंच गए। व्यापारिक संगठन बॉन्ड पर क्या कहना चाहते हैं, उनकी मंशा क्या है? 2018 से 2024 तक के बॉन्ड नंबर चुनाव आयोग को मिलेंगे, तो चुनाव आयोग चंदे की वो लिस्ट कब तक निकाल देगा जिसमें कि डोनर ने किसे कितना चंदा दिया, ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी। कुछ राजनीतिक दलों ने चंदादाता का नाम बता भी दिया है, कुछ कहते हैं कि अभी उन्हें नहीं पता और किसने दिया इसकी भी पूरी जानकारी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि चुनावी चंदे पर बड़े राजनीतिक दल मौन क्यों हैं? वो ये नहीं बता रहे कि उनको किसने चंदा दिया, हालांकि कुछ क्षेत्रीय दलों ने डोनर्स का नाम बता दिया है। कुछ एक ने तो गजब तरीके से कह दिया कि बंद लिफाफे में दफ्तर कोई छोड़ गया था, इसलिए ये नहीं बता सकते कि देने वाला कौन है। कुल चंदा जो मिला है अब तक उसमें से सिर्फ 4% के हिस्से में डोनर और रिसीवर का नाम अभी तक क्लियर हो पाया है। अब आपको ये बताते हैं कि 2019 से मिले 900 करोड़ रुपए के चंदे का हिसाब क्या है, अब वो सुनिए। तमिलनाडु की पार्टी DMK को 556 करोड़ रुपए मिले, फ्यूचर गेमिंग और मेगा इंजीनियरिंग ने दिए ये पैसे। JDS को 89 करोड़ रुपए मिले, इंफोसिस, एम्बेसी और मेगा आदित्य बिरला ग्रुप और JSW स्टील ने ये चंदा दिया। NCP की बात सुन लीजिए, 38 करोड़ का चंदा मिला, बजाज, फेनर्स और साइरस पूनावाला, अविनाश भोंसले, भारती एयरटेल ने ये चंदा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे दिया, AIDMK को 6 करोड़ रुपए का चंदा दिया। आम आदमी पार्टी को कहां से मिला, आम आदमी पार्टी को 6 करोड़ का चंदा मिला, बजाज ग्रुप, टोरेंट फार्मा और BG सरके कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उन्होंने दिया इन कंपनियों ने आम आदमी पार्टी को। JDU को 3 करोड़ रुपए का किसने दिया, श्री सीमेंट, भारतीय एयरटेल ने। ये जो जानकारी सार्वजनिक हुई है उसी में से हम आपको सारा डेटा जिस तरह से साझा कर रहे हैं ताकि आपको पता चल पाए कि आप जिन पार्टियों को वोट देते हैं वो कहां कहां से पैसा लेते हैं। RJD को 1 करोड़ रुपए जो है वो प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट उन्होंने दिए। समाजवादी पार्टी को 80 लाख रुपए सैन बेवरेजेस उनसे चंदा मिला। तो कुल मिलाकर ये बड़ी बड़ी पार्टियां हमने बता दी जिनको किसने कितना चंदा दिया। यहां एक और बात गौर करने लायक है और वो ये है कि कुछ राजनीतिक दलों ने ये कह दिया है कि चंदा मिलना, लेकिन दान देने वाले का नाम नहीं पता भी दानदाता था कौन, क्योंकि कई लिफाफे में भरकर ऑफिस की पत्र पेटी जो बाहर लगी होती है ना शिकायतों की तरह उसमें छोड़ गए थे, यानी गुप्त दान समझकर। यहां पटियाल का सवाल है कि ये कौन दानवीर हैं जो अपना नाम जाहिर करना नहीं चाहते हैं। आम आदमी के लिए नियम है कि सड़क पर पैसा मिले तो पुलिस को बताएं, वरना पकड़े जाने पर चोरी की दफा लगेगी। घर के नीचे खजाना मिले तो सरकार को बताएं, वरना चोरी का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। लेकिन क्या देश में चंदे के लेन देन पर कोई नियम नहीं बनाया गया? कौन किसको चंदा देगा यह बताने का सिस्टम नहीं है क्या? अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि डोनर और रिसीवर की पहचान स्थापित करने वाला कोर्ट बताना जरूरी है, तो फिर कोई राजनीतिक दल चंदा देने वाले की पहचान कैसे छिपा सकता है, या गुमनाम दानदाता की बात कैसे हो सकती है? यह बात हजम होती है आपको? अब ये जो गुमनाम डोनर हैं उसके बारे में क्या सिस्टम है भाई?
क्या कोई गुमनाम पार्टी के लिए चंदा खरीद सकता है? जिसका नाम ही नहीं है वो चंदा दे रहा है, और किसी को भी जाकर चुपचाप अपना बॉन्ड दे सकता है, मत पेटी में डाल सकता है या फिर जो बाहर पत्र पेटी लगी होती है उसमें डाल सकता है। अगर ऐसा कानून था तो फिर ईमानदार चंदा सिस्टम की गारंटी कैसे दे सकता है? और अगर ऐसा नहीं है तो ये राजनीतिक दल ऐसी दलील देकर जांच से बच कैसे सकते हैं? अब मैं उन राजनीतिक दलों की बात करता हूं जिन्होंने अपने चंदादाताओं के नाम अब तक चुनाव आयोग को नहीं बताए हैं। अब ये सुन लीजिए कौन है। बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बीआरएस, बीजेडी और कुछ छोटे राजनीतिक दल भी हैं जिन्होंने अभी तक डोनर्स के नाम डिस्क्लोज नहीं किए हैं कि पैसा दे कौन रहा है उनको। देखिए, इसमें चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की भी है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी है और मैं समझता हूँ किसी हद तक सरकार की भी है जिसने ये स्कीम बनाई थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्कीम में जो लिखा हुआ था उसमें ये था कि राजनीतिक दलों को ये नहीं पता लगेगा कि उनको चंदा किसने दिया है, और ये बात सही नहीं है क्योंकि जो भी चंदा देगा उस इलेक्टोरल बॉन्ड पे उसका नाम लिखा हो या ना लिखा हो, वो चंदा देने वाला ये सुनिश्चित करेगा कि राजनीतिक दल को पता लगे कि किसने दिया है ये पैसा। तो ये स्कीम में, स्कीम के डिज़ाइन में ही ये कमी थी, उसी वजह से ये कन्फ्यूजन हो रहा है। चुनावी चंदे पर अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। चंदे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सवाल किया गया तो सर कार्यवाह ने क्या जवाब दिया, उसे आपको भी सुनना चाहिए। इलेक्ट्रिक बॉन्ड का एक प्रयोग है, इस प्रकार के प्रयोग को करें और उसमें जो चेक्स एंड बैलेंस करने चाहिए वो कर सकते हैं ना, चेक्स एंड बैलेंस करके ही कर रहे हैं वो करें, और इलेक्ट्रिक बॉन्ड के एक अचानक आ जाए ऐसे नहीं, पहले भी इसके विषय पहले भी हुआ है, एक इम्प्लीमेंट करके प्रयोग के ना चलाए हैं। कोई भी परिवर्तन आता है तो उसके चार प्रकार के प्रश्न कई बार उठते हैं। ईवीएम के बारे में किसने उठाया जब इंट्रोड्यूस हुआ, तो कई चीज़ें जब नई बात आती है तो उसके बारे में चार प्रश्न उठते हैं। प्रयोग हैं और प्रयोग में गुंजाइश तो होती है। वैसे अगर सुप्रीम कोर्ट में कही गई ये बात सही है कि डोनर का नाम बताने की जिम्मेदारी राजनीतिक दल पर थी तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को क्यों नहीं बताया या फिर चुनाव आयोग ने क्यों नहीं पूछा? मामला पेचीदा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने आज एक दूसरे मामले में बहुत तेजी दिखाई। 6 राज्यों के प्रमुख सचिव गृह बदलने के आदेश जारी कर दिए, साथ ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को पद से हटाने के भी आदेश दिए थे। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से ये बताऊंगा कि किस किस राज्य में प्रमुख सचिव गृह बदले गए हैं। चुनाव आयोग ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के प्रमुख सचिव गृह को हटाने का निर्देश जारी किया है। इसके अलावा मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य विभाग के सचिव को भी हटाने के आदेश दिए गए हैं। विवेक सहाय को बंगाल का नया डीजीपी बनाया गया है, वो राजीव कुमार की जगह लेंगे। ईमानदार चुनावी चंदा, स्वच्छ चुनाव, सही सरकार की पहली गारंटी है। उम्मीद करते हैं जल्द ही देश को ये गारंटी भी मिल जाएगी। चुनाव ऐलान के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच शक्ति को लेकर संघर्ष शुरू हो गया है। ये जुबानी जंग आपको सुनाएं, उससे पहले ये बता दें कि दक्षिण भारत पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का इस बार ज्यादा फोकस क्यों है? दक्षिण भारत इस बार चुनाव का सबसे निर्णायक युद्ध स्थल बना हुआ है। निर्णायक इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि कमजोर कांग्रेस साउथ इंडिया में ही कमबैक कर सकती है, और अगर मोदी के रिकॉर्ड को रोकना है तो कांग्रेस को ऐसा चमत्कार करना होगा, यानी भारत में कम से कम 100 सीट लानी होंगी। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी को लगता है कि लगातार 10 साल से सत्ता में बनी उनकी पार्टी को अगर अखिल भारतीय दल का दर्जा पाना है तो दक्षिण भारत में बीजेपी के प्रदर्शन को बहुत सुधारना पड़ेगा। अगर उन्हें 50% वोट बैंक का टारगेट हासिल करना है तो दक्षिण भारत में अपने प्रदर्शन को ठीक करना होगा, बेहतर करना होगा। अगर उन्हें 4 जून को 400 प्लस के नारे का सच दिखाना है, सच करना है, तो दक्षिण भारत में प्रदर्शन ठीक किए बिना ऐसा हो नहीं सकता। और अगर
उन्हें इस नैरेटिव पर मोहर लगानी है कि मोदी तो जीत के 100 दिन बाद की तैयारी करने लगे हैं, तो फिर दक्षिण में पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। अब मैं आपको नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच शुरू हुई वो बयानबाजी सुनवाता हूं जिसे शक्ति वाले बयान से बाद यानी उसे जोड़ने के बाद तूल पकड़ रहा है ये मामला। एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर ऊपर डाल रखा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। पुष्टिकरण पूछते पूछते ये अपने आप को बहादुर जफर शाह की तरह अंतिम युवराज बना दिए हैं। उसी शक्ति की वजह से, ईवीएम की शक्ति, ईडी सीबीआई की वजह से लोग डर के बीजेपी ज्वाइन भी कर रहे हैं और ये 400 पार का दावा भी ठोक रहे हैं उसी का। इनको ये मालूम नहीं है भारतीय संस्कृति, भारतीय शक्ति। तुम्हारे पूर्वजों ने बड़े प्रयास कर लिए इसको दबाने के लिए, अनंत काल से चली आ रही है, अनंत काल तक चलने वाली है। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जिससे आपको दक्षिण भारत में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की सक्रियता का अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने दक्षिण में पूरा जोर लगा रखा है। पीएम मोदी साल की शुरुआत से ही दक्षिण भारत का दौरा कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर मोदी दक्षिण के राज्यों में राम वन गमन पथ वाले क्षेत्रों में गए, तमिलनाडु और केरल के मंदिरों में दर्शना और पूजा की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल कन्याकुमारी से ही शुरू हुई थी, दक्षिण भारत में तमाम राज्यों से होकर भी गुजरी थी, सब आपको याद होगा। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं जिसे देखकर आपको दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री मोदी की सक्रियता का अंदाजा हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले और चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद दक्षिण भारत में नरेंद्र मोदी के दौरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साल 2024 का 78वां दिन है। इन 78 दिनों में मोदी 15 दिन दक्षिण में, अलग अलग राज्यों में, साउथ में 26 जगह पर मोदी ने दौरा किया। अंदाजा लगाइए सबसे ज्यादा कहां गए। 9 दौरे तमिलनाडु के किए, केरल में 5 दौरे किए और तेलंगाना में भी 5 दौरे किए, 2 बार लक्षद्वीप, 2 बार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 3 बार दौरा किया। हालांकि अब तक एक बार भी पुडुचेरी और अंडमान निकोबार नहीं गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। मोदी एक ही दिन में 2 से 3 राज्यों का दौरा कर रहे हैं। दक्षिण भारत में पूरी ताकत लगा रखी है। आज भी प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा किया। जैसे जैसे 13 मई निकट आ रही है, वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, तेलंगाना में बीजेपी की लहर, कांग्रेस का, बीआरएस का सुपड़ा साफ कर देगी। और इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, आज पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। दक्षिण में इस बार नरेंद्र मोदी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने नारा दिया है अब की बार 400 पार। बीजेपी के इस टारगेट में सबसे बड़ी बाधा है दक्षिण भारत। 2019 के नतीजे देखकर आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी दक्षिण भारत में
क्यों इतनी जोर आजमाइश कर रही है। 2019 के दक्षिण भारत की 132 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में सिर्फ 29 ही आई। बीजेपी को आंध्र प्रदेश की 25 में से एक भी सीट नहीं मिली थी, सिर्फ 0.97% वोट मिले थे। लेकिन कर्नाटक की 28 में से 25 सीट जीतकर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी और 51.75% वोट शेयर पर भी अपना कब्जा किया था। केरल की 20 में से एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली थी, लेकिन वोट शेयर कितना था? 13%। पुडुचेरी में सिर्फ एक सीट है जिस पर हार हुई थी बीजेपी की। तमिलनाडु की 39 सीटों में से एक भी बीजेपी को नहीं मिली थी, सिर्फ 3.62% वोट तेलंगाना की अब 17 में से 4 सीटें जीती। वहां 19.65% वोट हासिल करके बीजेपी ने अपना प्रदर्शन सुधारा है। अंडमान की एक सीट 45.61% वोट से लेकिन जीत नहीं मिली। लक्षद्वीप लोकसभा सीट पर ना जीत मिली ना वोट शेयर में कोई सुधार हो पाया। 2024 में बीजेपी साउथ में अपनी इसी परफॉर्मेंस को सुधारना चाहती है। प्रचार की बागडोर खुद पीएम मोदी ने संभाल रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत में प्रदर्शन सुधारे बिना ना तो मोदी का 400 वाला लक्ष्य हासिल होगा और ना ही बीजेपी का अखिल भारतीय पार्टी होने का सपना पूरा होगा। खैर, मोदी बार बार कह रहे हैं कि 4 जून को 400 पार, लेकिन 400 सीट जीतने का मतलब क्या होता है और इसमें दक्षिण भारत की सीट का क्या महत्व है, इस जानकारी लेना और इसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। लोकसभा में 400 से ज्यादा सीट जीतने का कमाल सिर्फ अब तक कांग्रेस ने ही किया है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने 414 सीटें जीती थी, आपको याद भी होगा। उसी रिकॉर्ड को तोड़ने की तरफ बढ़ना चाहते हैं मोदी। कांग्रेस ने दक्षिण भारत की 112 सीटों पर चुनाव लड़ा और 71 सीटें जीती। उनका स्ट्राइक रेट था 63%। हालांकि आंध्र प्रदेश की 42 में से सिर्फ 6 सीटों पर कांग्रेस कामयाब हुई, लेकिन तमिलनाडु की 26 में से 25 सीटें, कर्नाटक की 28 में से 24, केरल की सभी 13 सीट, अंडमान निकोबार की एक सीट, लक्षद्वीप की एक सीट और पुडुचेरी की एक सीट कांग्रेस ने जीत ली थी। 1984 में राजीव गांधी ने यह कर दिखाया था। प्रधानमंत्री मोदी 2024 में वैसा ही प्रदर्शन करना चाहते हैं। ये एक तरह उसको रोल मॉडल मानकर चल रहे हैं उस इलेक्शन को। लेकिन 40 साल की राजनीति भी बदल चुकी है अब, और सियासी हालात क्या हैं? कांग्रेस के सिमटने के बावजूद बीजेपी की राहें आसान नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु से लेकर तेलंगाना तक क्षेत्रीय दलों का दबदबा है। वो ज्यादा सीटें जीत जाते हैं और इससे राष्ट्रीय पार्टियों को नुकसान होता है। अब मैं आपको दक्षिण भारत की वो सीट बताता हूं जहां बीजेपी को बहुत उम्मीद है। 2019 में बीजेपी ने तमिलनाडु की 5 लोकसभा सीटों कोयंबटूर, शिवगंगा, रामनाथपुरम, तूतीकुड़ी और कन्याकुमारी पर चुनाव लड़ा। 5 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। बीजेपी 1998 और 1999 में कोयंबटूर, नीलगिरी, तिरुचिरापल्ली और कन्याकुमारी सीट जीत चुकी है। पिछले चुनाव बीजेपी ने AIDMK के साथ मिलकर लड़ा था। इस बार बीजेपी अब तक तमिलनाडु में अकेले ही चुनाव लड़ रही है, लेकिन इस बार तमिलनाडु में बीजेपी के पास प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई जैसा बड़ा नाम है, जो तमिलनाडु में बीजेपी की सबसे बड़ी उम्मीद भी है। 2019 में बीजेपी को केरल से भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई थी, लेकिन 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने 2,00,000 से ज्यादा वोट जरूर हासिल किए। केरल की तिरुवनंतपुरम, पथानम थिट्टा, त्रिशूर, अंतिगल और पलक्कड़ लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी को सफलता की उम्मीद है। मोदी को उम्मीदें आंध्र प्रदेश से भी हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश में बीजेपी पहले भी जीत दर्ज कर चुकी है, इसलिए लग रहा है कि वहां शायद और सुधार हो जाए। 2099 और 2014 के नरसापुरम और 1998 और 99 में राजमुंद्री, 2014 में विशाखापट्टनम, 1999 में तिरुपति और 1998 में काकीनाडा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार तेलुगुदेशम और जनसेना पार्टी एनडीए में आ चुकी हैं, मतलब माना जा रहा है कि दक्षिण भारत में इससे मजबूती मिली है बीजेपी को और गठबंधन में बीजेपी को आंध्र की 6 सीटें मिली भी हैं, जिसे जीतने पर पूरी पार्टी फोकस कर रही है कि इन्हें हर हाल में जीतना ही जीतना है।
4 जून को 400 वाले नारे के लिए दक्षिण भारत का महत्व मैंने आपको समझाया भी और उम्मीद है कि आपको विस्तार से समझ भी आया होगा। मकसद यह है कि वोटर के पास फैक्ट की कसौटी होनी चाहिए जिसमें वो नेताओं के दावों को कसे और फिर उस पर विश्वास करे। अब पटियाल परीक्षा में पेपर लीक का परीक्षण करेगा। ये दुखद है लेकिन सत्य है। देश परीक्षा के मोड में है। 19 अप्रैल से देश में नेताओं की चुनावी परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। देश भर में बच्चों के बोर्ड एग्जाम भी चल रहे हैं। एग्जाम तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का भी हुआ था लेकिन पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द करनी पड़ी। बोर्ड परीक्षा या फिर छोटी सरकारी नौकरियों में पेपर लीक के किस्से अक्सर आप रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं। लेकिन अगर बड़े पदों वाली सरकारी नौकरी का भी खुलेआम ऐसा ही हाल हो जाए, सब लोग नकल करने लगे, हालात बहुत दुखद बन जाते हैं। क्या नकल करके हमारे देश में बड़े से बड़ा सरकारी ओहदा हासिल किया जा सकता है? आज पटियाल इसी का परीक्षण करेगा। दो तस्वीरें आपको देखनी है, दोनों झारखंड की हैं। ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि झारखंड में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का पेपर लीक होने के आरोप लग रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि ये राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा थी। चतरा में अभ्यर्थियों का आरोप है कि उपेंद्र वर्मा नाम के इंटरमीडिएट कॉलेज में जो एग्जाम पेपर आया था वो पेपर सीलबंद नहीं था, खुला था वो। मतलब पेपर की सील एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले ही खुल चुकी थी। परीक्षार्थियों ने पुलिस और कॉलेज प्रबंधन पर अभद्रता का आरोप भी लगाया है। जामताड़ा का हाल तो और भी बुरा रहा। जामताड़ा का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें क्या है, उसमें परीक्षार्थी सरेआम नकल करते हुए दिख रहे हैं। वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि जामताड़ा में सेंटर के बाहर ही परीक्षार्थियों ने नकल करके पेपर सॉल्व कर दिया, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई साहब उनको। है ना गजब की बात। राज्यों के सबसे बड़े एग्जाम भी अब सेफ नहीं रहे। क्या नकल माफिया और सॉल्वर गैंग की घुसपैठ जेपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में भी हो गई है? हम लोग का पोषक पेपर मिलने रूम में आया तो उसका सील पैकेट खुला था, ऊपर उसका मिला उसका भी सील खुला हुआ है। क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है और ये लोग बोलते हैं हम लोगों की जूता से मारेंगे तुम लोगों को। सील खुलता है क्लास में, उसके साथ कैंची होता है। कैंची पहले से पूरा क्वेश्चन खुला हुआ था और जो हर क्लास रूम से दो स्टूडेंट को साइन करवाया जाता है कि ये क्वेश्चन यहीं पे खुला ये दिखाने के लिए, वो क्वेश्चन वो साइन भी पहले से किया हुआ था। फैक्ट रखूंगा तो आपकी जो शिकायत है आपको अपने फैक्ट रखना होगा। सही क्या गलत क्या, सही गलत का फैसला क्या तुरंत हो जाएगा। फैक्ट आपकी बात है तो जांच करके दूंगा मैं। अभ्यर्थी पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं लेकिन प्रशासन हमेशा की तरह आरोपों को खारिज कर रहा है। वैसे होता भी यही है, अभ्यर्थी आरोप लगाते हैं, प्रशासन पहले ही खारिज कर देता है, फिर जांच होती है, उसके बाद पेपर लीक की सच्चाई सामने आ जाती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का उदाहरण आप सबने देखा था ना कि वहां क्या हुआ था। झारखंड के चतरा के उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज स्थित परीक्षा सेंटर पर 504 परीक्षार्थियों ने एग्जाम देना था लेकिन एग्जाम देने पहुंचे सिर्फ 296 परीक्षार्थी। इसमें से 208 परीक्षार्थी एग्जाम का बहिष्कार करते हुए एग्जाम हॉल से बाहर आ गए। 342 पदों पर वैकेंसी के लिए जेपीएससी ने परीक्षा आयोजित की थी। पेपर लीक पर हंगामा हो रहा है, परीक्षार्थियों ने एग्जाम के बीच में ही अपनी परीक्षा छोड़ दी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन परीक्षार्थियों ने एग्जाम छोड़ा है उनका अब क्या होगा? जांच के बाद क्या जेपीएससी दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा? पेपर लीक के मामले में झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर और जामताड़ा के वायरल वीडियो पर जामताड़ा डीसी कुसुम सहाय ने क्या कहा, अब ये आपको सुनवाते। एक वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो को कहा जा रहा है कि जामताड़ा का है, तो हम लोगों ने इसके लिए एसआईटी का गठन किया और अविलंब जांच प्रतिवेदन की मांग की है, इसके बाद सब चीज क्लियर हो जाए। कहीं पेपर लीक होता है, मुझे नहीं लगता कि अभी इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है। क्या सच्चाई है जेपीएससी के पेपर लीक में, वो जांच में सच्चाई सामने आएगी और जो लोग भी अगर ऐसी बात हुई है
कहीं से पेपर लीक हुआ है, ये अगर तथ्य सामने आता है जांच में, तो जो भी लोग इसमें संलिप्त होंगे सभी पर कार्रवाई होगी। SDM, डेप्यूटी SP, ट्रेजरी अफसर, इन सब पदों के लिए होने वाली परीक्षा में भी अगर ऐसी नकल होने लगे तो प्रदेश का मालिक फिर भगवान ही। सरकारी नौकरी का पेपर लीक हो जाए तो इसकी तैयारी कर रहे बच्चों का करियर भी अधर में लटक जाता है। पटियाल को आपके बच्चों की फिक्र है, इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट में युवाओं से जुड़े सभी मुद्दों को मैं हमेशा इंपॉर्टेंट मानकर पहले उठाता हूं। आपके बच्चों से जुड़े एक और जरूरी मुद्दे पर आज पटियाल को आपसे बात करनी है। अच्छा, पहले ये बताइए, क्या आपके बच्चे रात रात भर पार्टियों में रहते हैं? आपका बच्चा कहां जा रहा है, किसके साथ उठता बैठता है, क्या ये सब जानकारी आपको रहती है? क्या आपको ये पता होता है कि आपका बच्चा सोशल मीडिया के किस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता है? एक दौर था जब रोल मॉडल चुनने के लिए सीमित ऑप्शन होते थे। क्रिकेटर, सिनेमा, इनसे जुड़े हुए लोग अक्सर बच्चों के रोल मॉडल होते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, हर प्लेटफॉर्म पर इन्फ्लुएंसर्स की भीड़ है। कोई मोटिवेट कर रहा है तो कोई करियर में आगे बढ़ने का फ्री ज्ञान बांट रहा है, कोई बिजनेस करना सिखा रहा है तो कोई इन्फ्लुएंसर पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने का आरोप लग रहा है, वैसे भी शामिल है। मैं एल्विस यादव की बात कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे। यूट्यूबर एल्विस यादव नोएडा की लुक्सर जेल में बंद है। एल्विस पर कुछ महीने पहले ही रेप पार्टीज में सांप का जहर सप्लाई करने का आरोप लगा था। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल की और एल्विस को गिरफ्तार कर लिया। एल्विस के अकेले इंस्टाग्राम पर ही 16 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं। इन 16 मिलियन लोगों में ज्यादातर युवा ही होंगे, मतलब करोड़ों युवा एल्विस को फॉलो करते हैं। और एल्विस क्या करता है, इसकी जांच नोएडा पुलिस कर रही है। आपका बच्चा अगर सोशल मीडिया में गलत संगत में है तो आपको चिंता करने की जरूरत है। नोएडा पुलिस सूत्रों की माने तो एल्विस यादव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। एल्विस यादव ने पुलिस से यह कहा है कि सेक्टर 51 में रेप पार्टी हुई थी और उस बारे में पुलिस ने उससे पूछा कि क्या भाई आप वहां गए थे, आपने कुछ सप्लाई किया? पुलिस ने पूछा तो एल्विस ने कहा हाँ। नोएडा पुलिस रेप पार्टी में सांप क्यों मंगवाए थे, तुम्हारा नाम उस पार्टी से जुड़ा कैसे? एल्विस, रेप पार्टियों में सांपों को लाया जाता है लेकिन वो सांप जहरीले नहीं होते हैं, सिर्फ उनको गले में डालकर एंजॉय किया जाता है। गजब एंजॉयमेंट है। नोएडा पुलिस क्या पूछती है, आगे पूछती है, सांपों का इंतजाम आपने किया था? एल्विस क्या कहता है, मैंने सिर्फ राहुल को सपेरों से कनेक्ट करवाया था। नोएडा पुलिस कहती है सांपों के अलावा जो 20 ml स्नेक वेनम मिला था उसका क्या मतलब है इस पार्टी में? एल्विस कहता है उस स्नेक वेनम को कुछ लोग नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, स्नेक बाइट के जरिए ये कुछ लोगों का शौक भी है। सूरजपुर की जिस पार्टी को लेकर पुलिस ने छापेमारी की थी उसमें जो सांपों का जहर बरामद हुआ उसके बारे में उसने किसी भी तरह की जानकारी से इनकार करता हुआ नजर आया कि किस मकसद से वो जहर वहां पर पहुंचा, उसे इसकी इस बात की जानकारी नहीं है। हालांकि जो जहर बरामद हुआ था उसकी जयपुर में जब फॉरेंसिक जांच कराई तो पता चला कि बेहद दुर्लभ प्रजाति के कोबरा का वो जहर था जो कि प्रतिबंधित श्रेणी में आता है। यही वजह है कि 29 NDPS एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एल्विस को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वो रिमांड एप्लीकेशन लगाकर एल्विस को एक बार फिर से रिमांड पर लेगी जिससे आगे कड़ियों को जोड़ा जा सके, क्योंकि कई ऐसे वायरल वीडियोस पुलिस के हाथ लगे हैं जिसमें एल्विस सांपों के साथ नजर आ रहा है। तो आखिरकार ये पार्टीज कब और कहां हुई थी? चलिए, ये तो देखा आपने एल्विस का हाल। अगर आपका बच्चा एल्विस यादव जैसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो करता है तो आपको भी अपने बच्चे पर ध्यान देने की जरूरत है। बच्चे पार्टियां करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन उस पार्टी का लेवल क्या है ये तो आपको जरूर पता होना चाहिए। सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में एल्विस पर NDPS एक्ट के तहत एक्शन हुआ है। NDPS एक्ट ड्रग्स से जुड़ी हुई साजिश में शामिल होने पर लगाया जाता है और इस एक्ट में जमानत मिलना भी आसान नहीं होता। NDPS एक्ट में 10 से 20 साल तक की सजा आरोपी को मिल सकती है, साथ ही 2,00,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है या इससे ज्यादा भी जुर्माना हो सकता है। जानवरों के साथ किसी भी तरह की क्रूरता हमारे देश में अपराध है। आपके बच्चे पार्टी में जाते होंगे इसीलिए ये खबर बताना आपको जरूरी था।
अपने बच्चों की काउंसलिंग कीजिए, उन्हें सही गलत का फर्क समझाइए। अब पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल शहद की शुद्धता का परीक्षण करेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर में कोई शहद रखे रखे जम जाता है तो वो असली है या नकली। जम जाने वाले शहद की शुद्धता जानने के लिए हमने एक ऐसे एक्सपर्ट से संपर्क किया जिनका भारतीय शहद पर बहुत लंबा और बहुत बड़ा शोध है। इनका नाम है डॉक्टर प्रदीप कुमार। ये लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एंटेमोलॉजिस्ट हैं और प्रोफेसर हैं, जिसमें मधुमक्खियों के बारे में जानकारी और जो है जानकारियां पढ़ाई जाती हैं। ग्रैनुलेशन हो जाना शहद का ये कोई डिसक्वालिटी नहीं है, रादर जो है विदेशों में इस प्रकार के हनी को जो है वो बड़ा अच्छा माना जाता है और इसको क्रीम हनी या आइस हनी कहा जाता है। यहाँ तक के पिघले हुए जो है शहद को भी प्रोसेस करके और उस शहद को जो है वो जमा कर जो है वो खाया जाता है और उसको ब्रेड में लगाकर बड़ा आसानी से खाया जाता है। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि हमारा लगभग 60% शहद जो है वो भारत निर्यात कर रहा है, जिसमें लगभग 80% शहद जो है वो हमारा यूएसए को जा रहा है और वो मुख्यतः हमारा सरसों का हनी है, जिसमें जो बहुत ही जल्दी जम जाता है और जो जमना है वो जैसे मैंने बताया प्राकृतिक गुण है। इसके कुछ रीजंस हैं, ये क्योंकि अलग अलग फूलों से जो शहद आता है उसमें जो है ये जमने की क्षमता अलग अलग होती है, वो निर्धारित होती है ग्लूकोज की मात्रा पर, क्योंकि शहद में जो ग्लूकोज सुक्रोज से बनता है तो ग्लूकोज की मात्रा ये निर्धारित करती है कि वो शहद जल्दी जमेगा या नहीं जमेगा या कम जमेगा। अगर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो वो शहद जल्दी जम जाते हैं, तो उसको हमने जमने को जो है उसके लिए हमने ग्लूकोज टू वाटर रेशियो जो है हम एक जो है इंडेक्स लेकर चलते हैं। अगर ग्लूकोज टू वाटर रेशियो जो है वो शहद में 2.1 से ज़्यादा होती है तो वो शहद बहुत जल्दी जम जाते हैं, और जिन शहद में ग्लूकोज और पानी का अनुपात 1.8 से कम रहता है तो वो शहद अमूमन जो है वो नहीं जमते। एक तो ये है, दूसरा है कि वो शहद जिनमें जो है पराग जो पौधों से जब बीज जो है नेक्टर इकट्ठा करते हैं तो साथ में जो है पोलन कण भी आ जाते हैं, सो जिन शहद में पोलन के कण बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, पोलन जिन पौधों से बहुत ज़्यादा उपलब्ध होता है तो वो शहद उनमें जल्दी शहद जम जाता है। ये फ्लोरा पर भी निर्भर करता है कि कौन से फूलों से मधुमक्खियां जाकर नेक्टर कलेक्ट कर रही हैं जो शहद में परिवर्तित किया जाएगा, और कुछ हमारे जो हैं वनस्पति ऐसी है जिसके शहद बहुत जल्दी जम जाते हैं, क्योंकि मुख्य कारण वही है कि ग्लूकोज टू वाटर रेशियो और दूसरा है परागकण होना। और हमारे रेप सीड एंड मस्टर्ड हनी जिनमें जो है वो ग्लूकोज टू वाटर रेशियो भी ज़्यादा रहती है और परागकण की जो है वो मात्रा भी बहुत ज़्यादा रहती है तो वो शहद जो है वो जल्दी जम जाता है, बहुत जल्दी हमारा शहद जम जाता है, चाहे तोरिया का है सरसों का है ये शहद जल्दी जम जाता है। इसी प्रकार सूरजमुखी के शहद भी जो है जब क्योंकि ये गर्मियों में निकलता है परंतु जब सर्दियां आती हैं टेम्परेचर लो हो जाता है तो इसमें भी जो है वो पोलन के कण बहुत ज़्यादा होने के कारण ये भी शहद जो है वो जम जाता है। और इसी प्रकार जो है यूकलिप्टस का शहद है जो सफ़ेदा है, सफ़ेदा का जब हम शहद निकालते हैं तो तापमान जो है वो गर्म होता है, आसपास गर्मी जो है वो शुरू हो चुकी होती है, तो अगर वही शहद सर्दी तक रख लिया जाए तो वो नीचे से वो शहद भी जमना शुरू हो जाता है। और कई इस प्रकार के शहद हैं जो नहीं जमते, जैसे मल्टीफ्लोरा का है, लीची का शहद है, इसी प्रकार जो है वो हमारा जो है ये बरसीम का हनी है ना, क्लोवर हनी जिसको बोलते हैं, अकेशिया हनी है, अकेशिया हनी भी जो सर्दियों में एक बड़ी नरम सी क्रीम के रूप में कई बार जो है वो जम जाता है। तो ये मतलब फूलों पर निर्भर करता है, जो फसलों पर निर्भर करता है कि किसी फसल का शहद वो जल्दी जम जाता है तो किसी का वो जल्दी नहीं जम जाता। और जैसे मैंने बताया कि परागकण जो है वो और FSSAI के मानकों में एक मानक भी ऐसा दे दिया गया है कि शहद में मिनिमम जो है वो 5000 पराग के कण प्रति ग्राम हनी ये होने आवश्यक हैं, ये मिनिमम लिमिट है। सो अगर सभी हम परागकण बीच में से निकाल दिए दें उस हनी में से
तो वो शहद शहद ना जमे वो, क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स है वो सर्व फैसिलिटेट करते हैं जो हनी के ग्रेनुलेशन में। तो परंतु पोलन की जो है वो मानकों जो FSSC के मानक है उसमें एक सीमा निर्धारित कर दी गई है, मिनिमम सीमा, और ये क्योंकि न्यूट्रिएंट को भी ऐड करता है। तो ये कुछ वैसे क्योंकि भ्रांतियाँ सी हैं कि हमारा शहद जम गया तो इसलिए ये शहद कोई जो है वो अडल्ट्रेटेड है, तो ये मानना जो है, ये धारणा जो है, ये बिल्कुल गलत है। शहद की शुद्धता पर हमारे परीक्षण को अपने परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। अब आपको देश के सबसे युवा करोड़पति से मिलवाना है। देश में पहली बार 4 महीने का बच्चा ऑफिशियली करोड़पति बन गया है। कौन है ये बच्चा? देश की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति ने अपने पोते को 240 करोड़ से ज्यादा के शेयर गिफ्ट किए हैं। नारायण मूर्ति ने इंफोसिस में अपने शेयर होल्डिंग का बड़ा हिस्सा अपने पोते के नाम पर शिफ्ट कर दिया है। शेयर्स की संख्या करीब 15 लाख है, जिससे बाद इंफोसिस में 4 महीने का एकागर रोहन मूर्ति 0.04% हिस्सेदारी का मालिक हो गया है। इसीलिए ये 4 महीने का बच्चा 240 करोड़ का मालिक। अब बारी आपके कमेंट्स की है, क्या लिखते हैं देखते हैं। आज के दर्शक जगतार सिंह जी लिखते हैं, थैंक्स फॉर डिटेल्ड कवरेज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड, यानी कि जो हमारी कवरेज थी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, चुनावी चंदे को लेकर, वो बहुत बहुत थी। शुक्रिया जगतार जी, ऐसे ही आप लोग हमारी हौसला अफजाई करते रहे। लेकिन अब पब्लिक इंटरेस्ट में इतना ही। अखिलेश आनंद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए स्टूडियो में पहुँच चुके हैं और आपसे होगी अब कल रात 9 बजे मुलाकात। शुभ रात्रि।